स्कूटी में व्हीली मार। 390 का DRL, DRL को फिट करेंगे। ये से चलाने से अच्छा लगता ना। क्रिकेटी भैया के पीछे पूरी बन गए। वायरिंग वगैरह हो रहा है, चलाना काम कर गया। दोनों को जॉइंट करके एक ही वायर में फास्ट गियर में करना पड़ेगा। डर लग रहा है थोड़ा। चलिए, पागल जैसे हरकत कर रहा है। तो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग्स। अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बजने वाले हैं और आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ हैरिस के पास, जो कि हैरिस भी आ रहा है इधर अपना जो एयरपोर्ट तरफ। तो हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि आपको अच्छा लगने वाला है। बाकी देखते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बस देखते जाओ आगे क्या हो रहा है। अभी हम हैरिस को अपना जो ये रॉकेट चौक या फिर स्पेस चौक बोलते हैं, वहाँ पे हम बुलाए हैं उसको। तो वो आ रहा है, स्कूटी में आ रहा है। वो बाइक का तो उसका तो बाइक तो ख़राब है, उसका सॉकर गया हुआ है। पिछले वाला वीडियो जो देखा होगा उनको पता होगा, तो उसका सॉकर गया हुआ है तो इसलिए वो स्कूटी में आ रहा है। तो मिलेंगे उससे और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सो गाइस, देख सकते हैं हैरिस आ चुका है स्कूटी में। और पिछले वाले वीडियो में हम जिस हाइड्रेशन बैग के बारे में बात कर रहे थे वो यही है। दिखा तो ये यही वाला है, कार्बोनाडो ना। दिखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप कहाँ पकड़ रहे हैं यार? मैं बैग पकड़ रहा हूँ। कार्बोनाडो, हाँ कार्बोनाडो है। मेरे को लगा था क्रेमस्टर है। वो लगा क्यों तेरे? दिखा रहा हूँ तेरे को, रुक। स्कूटी में व्हीली मार, ओए व्हीली मार। स्कूटी में व्हीली मार, स्कूटी में। ब्रेक गया हुआ है स्कूटी का। हम आ चुके हैं इधर एयरपोर्ट के पीछे, ये जो सुनसान वाला रास्ता है। तो इधर देख सकते हैं अपना एयरपोर्ट है पीछे तरफ। और हम क्यों आए हैं आपको बता देता हूं। तो गाइस, फाइनली देख सकते हैं ये 390 का DRL। और इधर देखो क्या हो रहा है अपना हैरिस भाई। तो ये 390 का DRL अभी अपना ड्यूक 250 में लगने वाला है। तो गाइस, ब्लॉग में बने रहो, वीडियो में बने रहो। बहुत जल्दी अभी इसको खोलेंगे, उसके बाद ये DRL को फिट करेंगे, उसके बाद फाइनल लुक आपको दिखाएंगे कैसा देखने को मिलता है अपने ड्यूक 250 में, ना रोड रॉकेट में। इसका नाम कोई सजेस्ट करो भाई। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ क्या नाम दूंगा। तो इसका नाम कोई सजेस्ट करो फटाफट से। लड़कों वाला नाम रखूँ या लड़की वाला नाम रखूँ? तो मैं सोच रहा था लड़कों वाला नाम रखूँ। हाँ, उसको निकालना पड़ेगा। तो गाइस, ब्लॉग में बने रहो, फटाफट से लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस देख सकते हैं अपना ये जो प्लास्टिक है निकल चुका है ड्यूक 250 का। और इधर अपना बाइक देख सकते हैं, लंगटा हो गया है। ये से चलाने से अच्छा लगता ना, रुमाल बांधने से। रुमाल बांधने से रेड वाला वो भी नहीं, वे छपरी बोलेगा। कमेंट करेगा छपरी बोल के। तो देख सकते हैं क्रिकेटी भैया छपरी बन गए, छपरी बन गए बोले। तो इस एक बार मैं निकाला था प्लास्टिक को, वो वाला वीडियो है यूट्यूब में, निकाला था वो वाला, रिमूव किया था जो। तो अभी हम ये सेकंड टाइम निकाले हैं ये प्लास्टिक को और 390 का DRL लगा रहे हैं। और उधर क्या बोलते हैं, हैरिस भाई का RS 457। अफ्रीला देखो, अफ्रीला भाई बड़ा आदमी है, देखो अफ्रीला भी घूमता है और ड्यूक भी है उसके पास, अफ्रीला 457। कम मत समझना हैरिस भाई को ना भाई, बड़ा आदमी है लेकिन दिखता नहीं है। अभी देखिए ना मेरा हाइट, देखिए ऑरेंज, देखिए कहाँ बड़ा आदमी है। हाइट का बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरा बाइक में विली मार पाएगा? दिखना है हाँ, दिखा दिखा। ओ भाई, मैं नहीं दिखाऊंगा, पहले बोलना था। गजब गजब दिख रहा है पहले। तो आज का अपना जो
क्या बोलते हैं मैकेनिक हम भाड़े पे लाए हैं हरीश भाई को, अपना मैकेनिक है ये, बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, तो इसीलिए हम बोले चल भाई थोड़ा लगा देना बोल के, इसीलिए हम इसको लेके आए। हम भी कर सकते हैं बट हम वीडियो बनाएंगे या हम उसको लगाएंगे, इसीलिए हम बोले कि एक बंदा तो चाहिए लगाने के लिए और एक बंदा वीडियो बनाएगा, तो हम सोचे चलो हरीश भाई को बुला लेते हैं। उसका भी काम था और काम छोड़ के आया है मेरे लिए, बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए हरीश भाई। गाइस ये सब फिट कर लेते हैं वायरिंग वगैरह, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे वायरिंग वगैरह हो रहा है, अपना मैकेनिक भाई देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब लग तो रहा है। इसी पकड़े रही है। अरे जलाना काम कर गया, दोनों जलाना दे तो पकड़ उल्टा उल्टा रुकी, पकड़ रुकी रुकी टेप लाए मार लेते नहीं तो। नहीं नहीं ऐसे पकड़ेंगे। ओ भाई काम कर गया, और एक बार चला। अरे वाह तुम तो हीरो है, ये तो असली मैकेनिक है, दुकान खोल लेना चाहिए तेरे को इतना तो मेरे को भी नहीं आता है। मैं झूठ मत बोल गया। हाँ जी जी झूठ मत बोल गया, तुसी ग्रेट हो हरीश भाई, हरीश पाजी तुसी ग्रेट हो। चलो अभी ब्लैक टेप मारो, हम पकड़ रहे हैं तुम ब्लैक टेप मारो। गाइस देख सकते हैं वायरिंग कैसा किया हुआ है, अगर आपका पुराना वाला ड्यूक 250 जेन 3 है फर्स्ट वाला स्लॉट है तो देख सकते हैं ये हम लोग जुगाड़ करके किए हैं। अब हरीश भाई अपना बताएंगे कैसे किए हैं, कैसे क्या किया है बता दे थोड़ा। एक तो DRL का ये वाला और एक तो ये वाला। हाँ अलग अलग है, अलग है, अलग ये वाला वायर अलग है और ये वाला अलग DRL का। इसको दोनों को जॉइंट करके एक ही वायर में इधर कनेक्ट करना है। वो कपलर तो ये एक ही तो रहता है ना। हाँ, ये वाला अपना जो पुराना वाला ड्यूक 250 जेन 3 में ये एक ही तो कपलर दिया हुआ है और ये दोनों में DRL में दोनों अलग अलग है। हाँ, ये अलग, ये लेफ्ट वाला है ये राइट वाला है, दोनों में अलग अलग वायर है और इधर कनेक्ट किया है ये वाला में ये फॉगलाइट का वायर है, फॉगलाइट का वायर में ही कनेक्ट कर दिए हैं, तो अभी जल रहा है, तो अभी पूरा लगा के आपको पूरा फाइनल लुक दिखाएंगे, तो लगाते हैं अभी फटाफट। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. तो गाइस फाइनल लुक देख लो कैसा लग रहा है अपना 250 भाई, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सुंदर लगेगा। मतलब अपना बाइक में अभी ये DRL लगा है ना तो थोड़ा अलग ही फील हो रहा है। जब हम शोरूम में जाके देखे थे ये 250 में DRL था, वो तो अपना बाइक नहीं था इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था, ये अभी अपना बाइक में लगा हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं उधर हरीश भाई है, वो सब कुछ फिटिंग वुटिंग कर दिया, वो एक्सपीरियंस है इस काम में, तो हम उसको बोले थे भाई थोड़ा देख कर दे तो वो कर दिया। ये सारा क्रेडिट अपना हरीश भाई पे जाता है। तो अभी हम लोग निकलेंगे, पहली बार खरीदे थे ये अपना जो पुराना वाला मॉडल, इधर जो प्लास्टिक था वो पहली बार जब खरीदे तब अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को बहुत मतलब गंदा लगने लगा, तो अभी हम इसको लगा दिए DRL को तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं क्या ही सुंदर लग रहा है। और ये फॉगलाइट जला देने से तो और ही धांसू लगता है भाई, वाह गजब। सो गाइस देख सकते हैं साइड से भी क्या ही खतरनाक लग रहा है वो भाई,
साइड बाय साइड देख लो, क्या ही सुंदर लग रहा है। वाह, हुआ ना सुपर मोटो। हाँ सुपर मोटो। हाँ हाँ हुआ। देखता हूँ, रुकिए इसमें। पहली बार जोर से पुल करना पड़ेगा। फास्ट गियर में करना पड़ेगा। और भांडा ये नहीं हुआ। थोड़ा सा डर लगा क्लच का, और एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं होगा मेरे से। नहीं होगा डर लग रहा है थोड़ा। चलिए उधर तक आइए। आज कुछ हरीश बदला लग रहा है, अलग दिख रहा है। हरीश ही है ना, इसका तो हेलमेट लग रहा है। हाँ वो ही है, पागल जैसी हरकत कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, जूम करो। तो ये तो धोतर चोर है रे। ओहो, तो पीकेडी भैया है। ठीक नहीं है जैसे लगा। मेरे से नहीं हुआ ये वाला, ठीक नहीं हुआ जी।